इनहिबिटर, ये आपको वहां पे नोट कर लेना है, ठीक है ना। वो लगा दो कर सकते, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले एग्जाम्पल हो गया, आप सेकेंड एग्जाम्पल नोट कर लेना है इसमें। जो सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा था आपका, लिवोडोपा, ठीक है ना। लिवोडोपा पे कौन सा एंजाइम काम करता था, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट, ये एंजाइम इस पे काम करता था और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता था डोपामीन। तो ये एंजाइम का एक्शन था। इसका जो इनहिबिटर है वो कौन सा होता है आपका, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा यहाँ पे क्या है, एंजाइम इनहिबिटर है। ये कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप एंजाइम इनहिबिटर है ये। वो लाइट ऑन कर दो, पेन दे दो यार, दे दो हमारे कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे आपका सेकेंड एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि जो आएगा क्वेश्चन वो आपका एग्जाम्पल का पूछा। जैसे आपको पूछा गया व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेट, ये आपको क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बामेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर होता है। किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, वो कोलिनेस्टेज एंजाइम को। सेकेंड मान लो आपको क्वेश्चन आता है मैकेनिज्म ऑफ द कार्बिडोपा, तो कार्बिडोपा की मैकेनिज्म क्या होती है, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर है। थर्ड एग्जाम्पल लिखे हम इसके बाद, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है जो आपका वो है, उसमें लिखे पावा पैरामीनो बेंजोइक एसिड। यहाँ पे जो इस पे काम करता है एंजाइम कौन सा होता है, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम इस पे काम करता है। ये बन जाता था डाइहाइड्रो फोलिक एसिड में। तो यहां पर जो ड्रग है वो आपकी कौन सी है, सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो ड्रग है वो क्या करती है, फोलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। तो यहां पर जो ड्रग है आपकी सल्फोनामाइड हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, सल्फोनामाइड। तो ये आपका थर्ड वन हो गया एग्जाम्पल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे इसके बाद, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। थर्ड हो गया, फिर उसके बाद आपका हो गया फोर्थ एग्जाम्पल लिखे। फोर्थ एग्जाम्पल में लिख लेना एलोप्यूरिनॉल। यहाँ पे क्या होता है, एलोप्यूरिनॉल जो होता है ये ड्रग का नाम लिख रहा है अपन, एलोप्यूरिनॉल। ये जो आपकी कौन सी ड्रग होती है, यूरिक एसिड सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो एलोप्यूरिनॉल किसको इनहिबिट करती है, यूरिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो यहाँ पर एलोप्यूरिनॉल जो है इनहिबिटर है, लिख लेना। इसमें जो होता है नेचुरली क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो जेंथीन ऑक्सीडेज रहता है। यहाँ पे जो रहता है आपका जेंथीन रहता है, जेंथीन उसका सब प्रोडक्ट होता है, उस पर काम करता है जेंथीन ऑक्सीडेज। तो आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे यूरिक एसिड का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे जो ड्रग दे दी है अपन ने, कौन सी दे दी है, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल किससे कॉन्सेंस हो करेगा, जेंथीन से कॉन्सेंस हो करता है। एलोप्यूरिनॉल जो रहेगा वो किससे कॉन्सेंस हो करता है, इसका जो करेक्ट होता है हाइपोजेंथीन, किससे कॉन्सेंस हो करेगा, हाइपोजेंथीन से। तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल क्या है आपका, एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल किससे कॉन्सेंस हो करेगा, हाइपोजेंथीन से। हाइपोजेंथीन क्या है, उसका सबस्ट्रेट होता है और एंजाइम कौन सा है, जेंथीन ऑक्सीडेज। ड्रग आपकी कौन सी हो गई, एलोप्यूरिनॉल हो गई, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे लिखे एग्जाम्पल, फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल लिखे। ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है ये, और किस टाइप का है, इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल। इसको इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं अपन लोग, क्योंकि ये क्या करता है, ड्रग एंजाइम से बाइंड करती है लेकिन आफ्टर सम टाइम को क्या हो जाती है, उससे रिमूव हो जाती है, एंजाइम को फ्री कर देती है, इसलिए उसको इक्विलिब्रियम टाइप या रिवर्सिबल टाइप बोल रहा है। और है कौन सा इनहिबिशन, ये कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन का हमने आपको बताया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर ड्रग रहती है और जो सबस्ट्रेट रहता है, दोनों के बीच कॉन्सन होता है, कहां पर पहुंचने के लिए, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। उसका रीजन क्या होता है, जो कॉन्सन हो रहा है उसका रीजन क्या है, कि वहां पे जो इनहिबिटर ड्रग है और जो सबस्ट्रेट है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, लगभग सेम होता है, इसलिए वो कॉन्सन होता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, इनमें अपन को हमेशा कभी भी कोई भी पढ़ोगे, जैसे आपके नाम दिमाग में आता है कार्बामेट, तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कार्बामेट क्या है आपका, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है। अगर आप यूज कर रहे हो वर्ड कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर,
तो फिर अपन को क्या मालूम होना चाहिए वो किससे कॉन्सेंट करेगा, तो सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का नाम भी पता होना चाहिए, कौन है सबस्ट्रेट का नाम, एसिटाइलकोलाइन हो गया, और एंजाइम कौन सा है, कोलिनेस्टेज है। मतलब कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में तीन आपको पॉइंट याद रखना पड़ेंगे, पहला ड्रग का नाम, दूसरा उसके सबस्ट्रेट का नाम, और तीसरा किसका नाम, एंजाइम का नाम याद रखना है। तो ये तीन चीजें ऐसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, ये अपन को मिलेगा जो अपन एंटी पार्किंसोनियम ड्रग पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कार्बिडोपा है, एक और ड्रग होती है, ठीक है ना। कार्बिडोपा क्या करती है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेट कन्वर्ट कर देती है, कॉन्सेंट किससे करती है, एल डोपा से वो कॉन्सेंट शो करती है। नेक्स्ट आपका कौन सा होता है, पैरामीनो बेंजोइक एसिड, ये आपका सबस्ट्रेट है, सल्फोनामाइड क्या होता है आपका, उससे कॉन्सेंट शो करता है, किस एंजाइम के लिए, फोलेट सिंथेज एंजाइम के लिए कॉन्सेंट शो करता है, और वहां पे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड पर बैक्टीरिया में नहीं बन पाता। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा है, हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन जो है वो सबस्ट्रेट है, एलोपिनॉल क्या होता है, इनहिबिटर ड्रग होता है, हाइपोजेंथिन और एलोपिनॉल में क्या होगा कॉम्पन होगा, किस एंजाइम के लिए, जेंथिन ऑक्सीडेज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हाइपोजेंथिन से यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब लेके नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके इसके बाद जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम का नाम, यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल का नाम नोट करें, कार्बिडोपा मिथाइलोपा लिख लिया अपन ने, इसके बाद लिखे कैप्ट्रोपिल, कैप्ट्रोपिल जो ड्रग होती है उसके बारे में अपन समझ लें, ये फिफ्थ एग्जाम्पल है। कैप्ट्रोपिल को आप लोगों ने कभी सुना है नाम, कैप्ट्रोपिल किस कैटेगरी की ड्रग है, कौन सी है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। इसका जो मैकेनिज्म होता है वो होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है। कैप्ट्रोपिल क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। इसमें क्या होता है कि अब जो बॉडी में नेचुरली प्रोसेस होती है, यहाँ पे क्या होता है, बॉडी में एंजियोटेंसिन बन रहता है, ये सब पेप्टाइड्स होते हैं, एंजियोटेंसिन बन से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, ये जो सेकंड बनता है ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, पोटेंट हाइपर टेंसिव एजेंट होता है, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन को कॉज करता है मेनली। तो इससे क्या होता है, पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम का काम होता है उस एंजाइम को बोलते हैं ACE बोलते हैं, ACE का फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 को सेकंड में वो कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ये एंजाइम अगर काम करता रहता है तो एंजियोटेंसिन सेकंड का लेवल क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो इस कंडीशन को रोकने के लिए अपन लोगों ने क्या बनाए हुए हैं, जो ड्रग बनाई है उसको बोलते हैं कैप्ट्रोपिल। कैप्ट्रोपिल जो होती है वो क्या होती है आपकी, एसी इनहिबिटर होती है, इस एंजाइम को वो क्या करेगी, इनहिबिट कर देती है। हाउ कैन यू कैप्ट्रोपिल इनहिबिट द एसी एंजाइम, मान लो आपको पूछा जाता है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, कैप्ट्रोपिल द सो विद द कॉम्पिटिटिव विद द एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से क्या करेगा कैप्ट्रोपिल, कॉन्सेंट जो करेगा कहां पर पहुंचने के लिए, एसी एंजाइम पर पहुंचने के लिए। तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 से सेकंड का कन्वर्जन रुक जाएगा, और इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कैप्ट्रोपिल जो है इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है ना। कैप्ट्रोपिल जो है आपका मतलब फेवरेट है ये ड्रग एकदम, अगर आपको कैप्ट्रोपिल पे क्वेश्चन आ जाता है, कभी भी आ सकता है कैप्ट्रोपिल पर क्वेश्चन। कैप्ट्रोपिल पे क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले कैप्ट्रोपिल का मैकेनिज्म आ सकता है आपको। कैप्ट्रोपिल का मैकेनिज्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है। ये अपन लोगों का लाके के अपन से इतना पूछ लिया कि कैप्ट्रोपिल का मैकेनिज्म क्या है, मान लो टफ क्वेश्चन बना दिया गया, कैप्ट्रोपिल का मैकेनिज्म बताना है, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है या नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है, तो फिर क्या आंसर होगा कि वो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। और कुछ पूछ लिया गया कि कैप्ट्रोपिल किससे कॉन्सेंट शो करती है, तो किससे करेगी, एंजियोटेंसिन 1 से करती है, किसके कंपैरिजन में करती है वो, एसी एंजाइम के लिए, दोनों में कॉन्सेंट होता है। कैप्ट्रोपिल किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, ठीक है ना। कैप्ट्रोपिल का एक एडवर्स इफेक्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैप्ट्रोपिल का एडवर्स इफेक्ट क्या है, बताइए आप लोग कैप्ट्रोपिल का एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, कैप्ट्रोपिल का एडवर्स इफेक्ट बताना है अपन को, पता है किसी को आप लोगों को, अभी हम आपको बताएंगे, आप लोग याद कर लेना। कैप्ट्रोपिल का एडवर्स इफेक्ट होता है सीवियर कफ, क्या कॉज करती है ड्रग, कफ कॉज करती है, सीवियर कफ कॉज होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि कैप्ट्रोपिल का एडवर्स इफेक्ट बताइए, तो ये आपका जो है आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया, फिफ्थ एग्जाम्पल हो गया। फिफ्थ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कैप्ट्रोपिल हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट ड्रग जो होती है उसके बाद अगला लिखे जो होता है माओ इनहिबिटर, एक एंजाइम होता है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे अपन आगे उसको जब अपन ANS पढ़ेंगे। यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे लिख लेना मैक्लोबिप, यहाँ पे लिख लेना मैक्लोबिमाइड, लगता नाम है मैक्लोबिमाइड जो है, आगे उसका नाम लिख ले मैक्लोबिमाइड, मैक्लोबिमाइड, मैक्लोबिमाइड लिख लेना,
माओ इनहिबिटर, इसको लिख लेना MAO, माओ ए इनहिबिटर, ये एंजाइम का नाम है, मेक्लोबिमाइड माओ ए इनहिबिटर, ठीक है ना, मेक्लोबिमाइड माओ ए इनहिबिटर, ये लिखे उसमें मेक्लोबिमाइड माओ ए इनहिबिटर। इसमें यहां पे क्या होता है, जो कैटेकोलामिन्स होते हैं, कैटेकोलामिन जो बॉडी में होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उसको मेटाबॉलिज्म का जो एंजाइम कराता है उसको बोलते हैं माओ ए एंजाइम। इससे क्या हो जाता है, इनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाता है इनका, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन हो जाएगा और ये मेटाबोलाइज होकर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो यहां पे इस माओ ए इनहिबिटर को इनहिबिट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अपन ने क्या बनाया है, माओ ए इनहिबिटर बनाया, उसमें मेक्लोबिमाइड जो है वो माओ ए इनहिबिटर होता है और वो किससे कॉन्सेंट करेगा, कैटेकोलामिन से, किसके लिए करेगा, माओ एंजाइम के लिए कॉन्सेंट करेगा। तो क्या फायदा होगा इससे बताइए, कैटेकोलामिन के एग्जाम्पल बताइए सबसे पहले आप लोग, ये कैटेकोलामिन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं मालूम है आपको, कैटेकोलामिन मतलब होता है आपका नॉन एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीन इसमें आते हैं, और मेनली यहाँ पे जो आपका एडीनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, तो उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा एंजाइम कराता है, माओ एंजाइम कराता है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए अपन ने क्या बनाई हुई है, ड्रग बनाई हुई है मेक्लोबिमाइड जिसको बोलते हैं अपन, ये ड्रग क्या करती है, माओ एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, इसलिए नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का लेवल फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, स्लो हो जाता है। तो इसका जो यूज है जनरली, इसका जो मेन यूज होता है, जब आप एंटी डिप्रेशन ड्रग पढ़ेंगे अपन लोग तब अपन को ये बात मिलेगी, क्योंकि डिप्रेशन में क्या होता है, ब्रेन में नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए अपन क्या देते हैं, फिर माओ इनहिबिटर ड्रग को दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि मेक्लोबिमाइड का नाम लिया आपको याद आ रहा है ये क्या है, तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है, किस टाइप का है, ये रिवर्सिबल है, और किससे कॉन्सेंट करेगा, मेक्लोबिमाइड किससे कॉन्सेंट करेगा, कैटेकोलामिन से, किस एंजाइम के लिए करेगा, माओ एंजाइम के लिए, मतलब कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन जो है उसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको ड्रग का नाम आएगा जैसे तुरंत याद आया कार्बामेट, तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए तुरंत, वो किससे कॉन्सेंट शो करेगा, किससे करेगा, वो एसिटाइल कोलीन से करेगा, किस एंजाइम के लिए करेगा, कोलिनेस्टेज एंजाइम के लिए। मान लो अब आपने नाम लिया किसका, कार्बिडोपा का नाम लिया, कार्बिडोपा जो है ड्रग वो किससे कॉन्सेंट करेगी, लिवोडोपा से, वो कॉन्सेंट करेगी किस एंजाइम के लिए, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट के। आपने नाम लिया पाप, इसका सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड जो है वो किससे कॉन्सेंट करेगा, पाबा से कॉन्सेंट करेगा किस एंजाइम के लिए, फोलेट सिंथेज एंजाइम के लिए। आपने नेक्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा कैप्ट्रोपेल, कैप्ट्रोपेल जो है वो किससे कॉन्सेंट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 से शो करेगा, किसके लिए, एसी एंजाइम के लिए। एलोप्यूरिनोल, एलोप्यूरिनोल किससे कॉन्सेंट करेगा, हाइपोजैंथिन से कॉन्सेंट करेगा, किसके लिए, जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए। मेक्लोबिमाइड किससे कॉन्सेंट करेगा, कैटेकोलामिन से, किस एंजाइम के लिए, माओ ए एंजाइम के लिए। तो जो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है उसमें आपको तीन पॉइंट जरूर याद रखने हैं अगर अपन को अच्छे से समझना है कि वो किससे कॉन्सेंट करेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखे, इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद लेट्रोजोल, ये ड्रग होती है, यहाँ पे ये नोट कर लिए ना आप लोगों ने सभी, तो इसको हम आपको यहां से लिख देते हैं। अगला एग्जाम्पल है इसकी, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद रखना है अपन को। नेक्स्ट ड्रग है जो आपकी, वो लेट्रोजोल, लेट्रोजोल जो ड्रग होती है इसको बोला जाता है एरोमेटेज इनहिबिटर, एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर होती है ये, जो कॉन्सेंट करती है टेस्टोस्टेरोन से, टेस्टोस्टेरोन जो रहता है उससे ये कॉन्सेंट करती है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रो स्टिंडायोन, ये भी टेस्टोस्टेरोन का ही फॉर्म होता है, तो ये जो कॉन्सेंट किससे करती है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टिंडायोन से ये क्या करती है, कॉन्सेंट करती है, किसके, ये जो एरोमेटेज एंजाइम होता है इसके सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन से कॉन्सेंट करती है। अगला एग्जाम्पल है अपना, ये हो गया आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 7 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका आएगा 8 नंबर पे, एग्जाम्पल लिखे 8 ही एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन के, इसमें लिख लेना फिनिस्टराइड, फिनिस्टराइड एंड ड्यूटीस्टराइड, ये ड्रग के नाम है,
इनको बोला जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। क्या बोलते हैं इनको? 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर बोला जाता है। ये दोनों ड्रग्स क्या है? जो फिनिस्ट्राइड एंड ड्यूटेरास्ट 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। यहां पे भी जो सबस्ट्रेट रहता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन ही होता है। टेस्टोस्टेरोन ही यहां पर सबस्ट्रेट है। दोनों में टेस्ट ये अलग-अलग होता है। जब एरोमेटेज एंजाइम काम करता है तो उसका एरोमेटाइजेशन हो जाता है, और यहां पे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का रिडक्शन बनता है, रिडक्शन होता है, और उससे टेस्टोस्टेरोन का मोस्ट एक्टिव फॉर्म बनता है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो उससे क्या होते हैं? बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट बढ़ जाते हैं। तो जब जैसी जरूरत रहती है उस अकॉर्डिंग इसको यूज किया जाता है। तो वो आपको डिटेल में हम कहां पढ़ाएंगे? जब अपन हार्मोनल सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे इनका डिटेल बता देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, मतलब ये भी बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है ये वाले। इन पर सीधा सीधा क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं आएगा, आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फिनिस्टेराइड। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ फिनिस्टेराइड क्या है, तुरंत 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। आपको पूछा जाएगा लेट्रोजोल का मैकेनिज्म, तो लेट्रोजोल क्या होता है? एरोमेटेज इनहिबिटर होता है। ये क्वेश्चन यही आएगा और इससे कुछ ज्यादा नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स, इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या होता है देखो, अभी अपन लोग साथ में पढ़ रहे हैं 8 एग्जाम्पल, ठीक है ना। जब आप अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे आपको मिलेगा भाई एस्पिरिन मिलेगा। एस्पिरिन का मैकेनिज्म क्या होता है? कॉक्स एंजाइम इनहिबिटर होता है। उसमें पढ़ोगे आपके वो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। फिर आगे जाओगे, आगे आपको मिल जाएगा आपको मैक्लोबिमाइड मिल गया। तो मैक्लोबिमाइड में आपने क्या पढ़ा? कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर। तो आप कंफ्यूज होने लगोगे कि कौन कॉम्पिटेटिव है और कौन क्या है नॉन कॉम्पिटेटिव है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक बार में इन 8 नाम को याद कर लोगे। ये सभी क्या है आपके? कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर होते हैं। और कौन से होते हैं कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर में? ये क्या है? रिवर्सिबल टाइप के हैं, मतलब ये एंजाइम से बाइंड करते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो इन 8 एग्जाम्पल को आप याद रखिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन हैं एग्जाम के, क्योंकि इनमें क्या है? मैकेनिज्म है। सीधा सीधा क्या है? आपको क्वेश्चन आता है कार्बामेट्स का मैकेनिज्म बताइए। तो कार्बामेट्स का मैकेनिज्म मतलब क्या है? कार्बामेट्स का मैकेनिज्म मतलब सीधा सीधा क्या कॉन्सेप्ट है? वो आपका कोलिनेस्टेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। आपको पूछा गया लिवोडोपा का मैकेनिज्म बताइए या उसका कार्बिडोपा का मैकेनिज्म, तो क्या है उसका आंसर? पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। अपन लोगों से पूछा गया सल्फोनामाइड का एग्जांपल वो मैकेनिज्म, तो सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म भी क्या है आपका? वही मैकेनिज्म है कि सल्फोनामाइड भी क्या करता है आपका? फोलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। आपको नेक्स्ट पूछा गया, तो ये सभी है और इनमें आपको 3 पॉइंट मेनली फोकस करने हैं अपन को। एक आपके ड्रग का नाम जो रहेगा वो इनहिबिटर ड्रग, दूसरा उसका क्या रहेगा? सबस्ट्रेट रहेगा, और थर्ड उसका क्या रहेगा? एंजाइम रहेगा। मतलब अपन को ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि ये आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो किससे कॉन्सर्न शो करेगा। तो बन जाएंगे आप पे 8 एग्जाम्पल, ये आपके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सभी आपको मिलेंगे जब अपन आगे डिटेल में कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन को ये मिलेंगे। इसकी लास्ट में एक टेबल भी बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल है किसके है? कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिशन के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये? कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिशन के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिशन की एग्जाम्पल है। एक टेबल बना लेते हैं, उसमें 3 कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम में लिख लेना आप इनहिबिटर ड्रग, सेकंड कॉलम में लिखे एंजाइम, और थर्ड सेकंड में लिख लेना सबस्ट्रेट। फर्स्ट में लिख लेना इनहिबिटर ड्रग, इनहिबिटर ड्रग कौन सी है। सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे आप? उसका सबस्ट्रेट, मतलब वो सबस्ट्रेट से क्या शो करता है? कॉन्सन शो करता है, और एंजाइम कौन सा रहेगा। और यहाँ पे एक और लिख लेना कहाँ पे अपन इनको जनरली पढ़ेंगे, वहां नोट कर लेंगे अपन कि जो टॉपिक में अपन को मिलेगा वहीं से याद रखना है अपन को। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपका इनहिबिटर ड्रग है वो कौन सी इनहिबिटर ड्रग? कार्बामेट्स है। कार्बामेट्स कोई ड्रग नहीं है, कार्बामेट्स जो है वो केमिकल क्लास का नाम है। कार्बामेट्स का एक केमिकल क्लास होती है, उसके अंदर जो ड्रग आती है कोई 2 के नाम आपको हम लिखा देते हैं यहाँ पे। फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन का नाम सुना है आप लोगों ने? फाइसोस्टिग्मिन जो होती है उसी के साथ वाला नियोस्टिग्मिन, ये 2 नाम आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फाइसोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन जो होते हैं केमिकली क्या होते हैं? कार्बामेट्स होते हैं, ठीक है ना। कार्बामेट्स क्लास का नाम है और उसके अंदर जो ड्रग आती है फाइसोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन और बहुत सारी ड्रग है, उनको अपन जब आपको पढ़ाएंगे हम कोलिनर्जिक सिस्टम तो आपको वहां पे लिखा देंगे, पूरा क्लासिफिकेशन है उसका। सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होता है आपका? एसिटाइल कोलिन रहता है। कॉम्पन किससे होता है? सबस्ट्रेट से। वो कौन है? एसिटाइल कोलिन होता है। और एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे?
एंजाइम जो होता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एंजाइम कौन है? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। एंजाइम का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। ये जो अपन पढ़ेंगे कहां पे, जब अपन क्या मिलेगा, अपन क्या स्टडी करेंगे, कोलिनर्जिक ड्रग्स को जब अपन पढ़ेंगे तब अपन को ये वाली ड्रग्स मिलेगी। तो ये आपको फर्स्ट एग्जांपल्स जो है मैंने आपको नोट कराया वो हो गया। सेकंड लिखे आप लोगों को खुद लिखना है क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी ड्रग बताई थी? कार्बिडोपा। लिवोडोपा ड्रग नहीं है, लिवोडोपा तो क्या है, सबस्ट्रेट का। अपन यहाँ पे इनहिबिटर ड्रग का नाम लिख रहे हैं। इनहिबिटर ड्रग क्या होगी? कार्बिडोपा। कार्बिडोपा रहेगी यहाँ पे ड्रग। और सबस्ट्रेट क्या होगा उसका? एल डोपा। उसका क्या है? सबस्ट्रेट है। एंजाइम कौन सा है? पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेट। पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेट ये कहां मिलेगा? जब अपन लोग पढ़ेंगे एंटी पार्किंसोनिन। क्या पढ़ेंगे? एंटी पार्किंसोनिन जब ड्रग पढ़ेंगे अपन तब अपन को ये चीज वहां पे मिलेगी। एंटी पार्किंसोनिन ड्रग में अपन को ये पढ़ना पड़ेगा। थर्ड नंबर का एग्जांपल क्या लिखा था अपन लोगों ने? सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड जो है, सल्फोनामाइड किससे कॉन्सेंस हो करता था? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से वो कॉन्सेंस हो करता था। पाबा से वो क्या शो करता था? कॉन्सेंस हो करता था। फिर ये लिखा है एंटी पार्किंसोनिन, ठीक है। पाबा से वो कॉन्सेंस हो करता था। एंजाइम कौन सा था वहां पे? फोलेट सिंथेज, ठीक है ना, फोलेट सिंथेज एंजाइम वहां पे था। और ये जो टॉपिक अपन कहां पढ़ेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग पढ़ेंगे, मतलब जब अपन लोग एंटीबायोटिक का टॉपिक पढ़ेंगे तब अपन को मिलेगा सल्फोनामाइड। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखा था अपन ने फोर्थ नंबर पर? फोर्थ एग्जांपल क्या था? एलोपिरिनोल। एलोपिरिनोल जो था उसका सबस्ट्रेट क्या है जिससे वो कॉन्सेंस जो करता है? कौन है वहां पर? हाइपोजेन। एंजाइम कौन सा था वहां पे? जेंथी ऑक्सीडेज एंजाइम था वहां पर, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक मिलेगा अपन को एंटी गाउट ड्रग पढ़ेंगे, जब अपन क्या पढ़ेंगे, एंटी गाउट ड्रग जब अपन लोग पढ़ेंगे तब अपन को ये चीज आगे मिलेगी। फिर नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पे क्या देखा अपन लोगों ने? कैप्रोपेल। कैप्रोपेल आपका इनहिबिटर ड्रग है। सबस्ट्रेट क्या था कैप्रोपेल का, मतलब एंजाइम का? एंजाइम जो था वो आपका एसी थे। सबस्ट्रेट क्या था? एंजियोटेंसिन से वन था। एसी एंजाइम क्या था उसका? एंजाइम था। और सबस्ट्रेट क्या था? एंजियोटेंसिन से वन था। इनहिबिटर ड्रग क्या है आपकी? कैप्रोपेल होती है। और यहाँ पे मिलेगा कहाँ, अपन पढ़ेंगे कहाँ इसको, जब एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग जब अपन पढ़ेंगे तो उस टाइम ये अपन को मिल जाएगा, एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग में ये मिलेगा। सिक्स नंबर का एग्जाम्पल क्या था? हाँ, मैक्लोबीमाइड। यहीं पे मैं लिख रहा हूँ, सिक्स नंबर का एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना है। कौन सा है? मैक्लोबीमाइड। मैक्लोबीमाइड जो होता है, क्या होता है मैक्लोबीमाइड? माओ इनहिबिटर होता है। माओ एंजाइम का नाम है। मैक्लोबीमाइड जो है इसका जो है सबस्ट्रेट की बात करते हैं पहले। एंजाइम कौन सा होता है? माओ ए होता है। और सबस्ट्रेट क्या है इसका? कैटाकोलामीन्स होते हैं। कैटाकोलामीन्स क्या थे? सबस्ट्रेट थे। ये जो आपको मिलेगा ये अपन को दोनों जगह मिल जाएगा, एड्रेनर्जिक सिस्टम में भी मिलेगा अपन को और एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में भी अपन को ये टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर एक ड्रग होती है मेटाक्लोप्रोपामाइड। इसका नाम बताइए क्या होती है? मेटाक्लोप्रोपामाइड क्या है बताइए आप? दोनों का अलग प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, मेटाक्लोप्रोपामाइड और आपकी मैक्लोबीमाइड है। मैक्लोबीमाइड होती है माओ इनहिबिटर। मेटाक्लोप्रोपामाइड जो होती है आपकी एंटीएमेटिक ड्रग होती है, ठीक है ना, जीआईटी पे एक्ट करती है। तो इसलिए आपको इससे इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका अलग है, ये आपका अलग होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा था अपन ने? लेट्रोजोल, ठीक है ना। लेट्रोजोल यहाँ पे था और वहां पे सबस्ट्रेट क्या था आपका?
टेस्टोस्टेरोन था, एंजाइम कौन सा था, एरोमेटिक। ये जो मिलेगा आपको कहां पे मिलेगा, जो अपन एंड्रोजन्स पढ़ेंगे, एंड्रोजन्स का टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम में, तब उनको ये मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी फिर आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। फिनिस्टराइड, फिनिस्टराइड जो है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें भी सबस्ट्रेट आपका टेस्टोस्टेरोन ही है या एंड्रोस्टिन डायोन होता है। यहाँ पे आपका क्या टेस्टोस्टेरोन ही सबस्ट्रेट रहता है, इसमें रहता है एंड्रोस्टिन डायोन। एंजाइम का नाम क्या होता है, 5-alpha reductase। और ये भी आपको मिलेगा जो टॉपिक एंड्रोजन्स में ही मिलेगा। अपन हार्मोनल सिस्टम वाली ड्रग पढ़ेंगे तब अपन को ये मिल जाएगा। तो आपने जो अभी आज अपन लोगों ने पढ़ा है वो सबसे मेन क्या पढ़े, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। इसके पहले की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, क्या था, किस टाइप। सबसे जो उसका जो मेन कंक्लूजन है वो ये टेबल है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं होना, कभी आपसे पूछा गया कि मेटलोबिमाइड क्या है, तो ये पूरा क्या नाम है इसका, माओ ए इनहिबिटर है। वो क्या है, माओ ए इनहिबिटर। यहाँ पे अपन ने किसका नाम लिखा है, केवल एंजाइम का नाम लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माओ ए इनहिबिटर है वो, जैसे यहाँ पे एरोमेटिक इनहिबिटर है, ये आपका 5-alpha reductase इनहिबिटर है, तो वहां इनहिबिटर ड्रग है, यहाँ इसका क्या है, एंजाइम का नाम है। और ये जो है बीच में क्या है, उसका सबस्ट्रेट है। तो जो अपन जब भी पढ़ेंगे, और ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है ये सभी, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब वो एंजाइम से बाइंड करेगा, लेकिन एंजाइम को कुछ टाइम के बाद फिर से क्या कर देगा, फ्री कर देगा। और फ्री कर देगा तो फिर से वो एंजाइम किस पे बाइंड करने लगेगा, सबस्ट्रेट पर बाइंड करने लगेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप एंजाइम इनहिबिशन। तो बन जाएगा सभी लोगों पे, एग्जाम्पल्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको क्लियर क्लियर आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो उसका आंसर क्या है, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन होता है, ठीक है ना। और उस कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में भी अगर दोनों में पूछ लिया जाए, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप होगा या कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप होगा, तो कौन सा होगा, कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल टाइप। क्योंकि कुछ टाइम बाद यहाँ पे सबस्ट्रेट अगर बढ़ जाएगा तो वहां पे फिर से क्या होने लगेगा, वो नेचुरल वर्क एंजाइम करने लगता है। तो आपको मान लो को अभी इतने पढ़ा अपन ने, तो बताइए कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम क्या करता है, एक्चुअल मैनिपुलेट होता है या नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम एक्चुअल मैनिपुलेट होता है या नहीं होता, एंजाइम इनहिबिट नहीं होता है। एंजाइम का क्या बदल जाता है, केवल रूट बदल जाता है। कि जैसे मान लो पहले इस एंजाइम को, माओ एंजाइम को किस पे काम करना था, कैटाकोलामीन पे, लेकिन अब उसके सामने उससे अच्छा भी ऑप्शन है क्या, मैक्लोबिमाइड। तो वो किस पे काम कर रहा है, मैक्लोबिमाइड पे काम कर रहा है। तो मतलब कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम अपना काम तो करता है, लेकिन वो रास्ता क्या कर देता है, अपना रास्ता वो बदल लेता है। उसको एक्चुअल में काम किस पे करना था, नेचुरल सबस्ट्रेट पर, लेकिन वो सबस्ट्रेट को चेंज नहीं कर रहा, अब वो किसको चेंज करने लगा है, इनहिबिटर ड्रग को चेंज करने लगा है। तो उससे जो एंजाइम का एक्चुअल एक्शन होता है वो क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया है। तो इसलिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव लगा है आगे, मतलब आप समझ जाएंगे कॉम्पिटिशन हो रहा है, किस किसके बीच कॉम्पिटिशन हो रहा है, जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर ड्रग है, कहां पर पहुंचने के लिए, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो ये ऑटो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बन जाएंगे सभी लोगों पे। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन हो गया अपना, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप एंजाइम इनहिबिशन। अब सेकंड लिखना है अपन को, कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम टाइप एंजाइम इनहिबिशन। मतलब उसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट जो रहेगा और इनहिबिटर रहेगा, दोनों में कॉम्पिटिशन तो होगा, लेकिन जो आपकी ड्रग रहेगी वो परमानेंटली किससे बाइंड कर जाएगी, परमानेंटली वो बाइंड कर जाएगी एंजाइम से, और वो रिमूव नहीं होगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव, क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लेना, नीचे लिखे, ये मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, तो उसको नोट कर ले, फिर उस हेडिंग को नोट कर लेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद कर लेना है आपको, क्योंकि इतनी ही ड्रग अपन को एंजाइम पे एक्ट करने वाली मिलेंगी मेनली आपको। ये सभी ड्रग्स क्या करेंगी, एंजाइम पे एक्ट करने वाली एग्जाम्पल्स है, इन सभी पे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ पे जो अपन ने अभी पढ़ा हुआ है उसको पढ़ा है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम टाइप
या इसी को बोलते हैं रिवर्स फेज, ये एंजाइम इनहिबिशन। इसमें एडिशनल पॉइंट इतना बस है कि जो ड्रग बाइंड करती है इसमें इनहिबिटर ड्रग लिख लीजिए, इनहिबिटर ड्रग नोट कर ले, इसमें इनहिबिटर ड्रग बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विथ लूज फोर्सेस, इनहिबिटर ड्रग बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम विथ लूज फोर्सेस, विथ लूज फोर्सेस और एंड कर देना, एंड रिमूव फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, रिमूव एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम।